आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पुलिहरा या फिर टैमरिंड राइस की रेसिपी। साउथ इंडिया की एक फेमस रेसिपी है, खास करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये बहुत पॉपुलर है। वहाँ के मंदिरों में भी इसे प्रसाद की तरह दिया जाता है और खास करके ये जाना जाता है एज ए ट्रैवल फूड। जैसे नॉर्थ में लोग पूरी कैरी करते हैं, कहीं भी ट्रैवल करते हैं और बाहर का खाना खाना नहीं होता है, तो वैसे ही साउथ इंडिया में लोग पुलिहरा कैरी करते हैं। बहुत ही तीखी, चटपटी और मज़ेदार रेसिपी है। लेफ्टओवर राइस के साथ भी आप इसे बना सकते हैं। इसे अचार और पापड़ के साथ सर्व किया जाता है, तो इसे एक कम्प्लीट मील भी माना जाता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। पूरी वीडियो को जरूर देखें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 150 ग्राम इमली या फिर टैमरिंड। ये डीसीडेड है, इसका बीज निकाला हुआ है और ये साफ है। फिर मैं क्या करूँगी, इसमें 3 कप गर्म पानी मिला दूंगी। इसे हमें भिगो के रखना है, अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे। फिर ढक्कन लगा के इसे 20 मिनट के लिए हम भीगने देंगे। 20 मिनट बाद ये अच्छी तरह से फूल गया है, इसे ऐसे चम्मच से अच्छी तरह से मैश करें। इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, इसका जो एक्स्ट्रैक्ट हमें निकालना है, तो पोटैटो मैशर से भी आप ये कर सकते हैं या फिर हाथों से भी इसका जो जूस है आप वो स्क्वीज़ कर सकते हैं। मैंने इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया है। फिर एक छन्नी से हम सारा जो एक्स्ट्रैक्ट है उसे छान लेंगे। सारा इमली का पल्प जो है हमें निकालना है, जो बच गया उसमें हम फिर से 1 कप पानी मिला देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, दोबारा इसे छान लेंगे। इसी तरह से हम इमली का पूरा एक्स्ट्रैक्ट जो है निकाल देंगे। मैंने टोटल 5 कप पानी यूज किया है इमली का एक्स्ट्रैक्ट निकालने के लिए। अभी इसे पका लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। गर्म कढ़ाई में हमने जो इमली का पल्प निकाला था वो मिला देंगे। 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल इसमें डाल देंगे। फिर इसमें हमें 10 हरी मिर्च को बस बीच में कट लगा के डालना है। 2 बड़ा चम्मच गुड़ मिलाना है इसमें। 1 बड़ा चम्मच नमक डाल देंगे। करी पत्ते को ऐसे निकाल दें और इसमें मिला दें। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करें। इसे हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे और गैस स्टोव की फ्लेम को हाई पे रख के अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें अच्छे से उबाल आ जाए, फिर हम गैस स्टोव की फ्लेम को मीडियम पे करेंगे और इसे ढक के 10 मिनट तक हम पकाएंगे। दस मिनट बाद ढक्कन खोलें। आप देख सकते हो यह भी काफ़ी रिड्यूस हो गया है और गाढ़ा हो गया है। फिर से हम गैस स्टोव का फ्लेम हाई पे करेंगे और इसे ऐसे कंटिन्यूसली चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इसे हमें थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। बस अभी ये तैयार है। गैस स्टोव को बंद कर लेंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद मैं इसे एक अलग बर्तन में निकाल रही हूँ। इसे मुझे अच्छी तरह से ठंडा करना है। अभी ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। देखिए थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है। इसे एक कांच की शीशी में आप भर के रख सकते हैं और 3 महीने तक ये फ्रिज में अच्छी तरह से रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अभी हम पुलिहरा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई को मैंने गर्म कर लिया है। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दें, 1 छोटा चम्मच राई डालें, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। फिर इसमें 1 बड़ा चम्मच मूँगफली डाल दें, 1/2 बड़ा चम्मच उड़द दाल डाल देंगे, 1/2 बड़ा चम्मच चना दाल डाल देंगे, 1/4 चम्मच मेथी दाना इसमें हम डाल देंगे, 1 चुटकी भर हींग मिलाना है, करी पत्ता डाल दें। अच्छी तरह से इसे 1-2 बार से चलाते हुए हमें मिलाना है। फिर इसमें मिला देंगे थोड़े से केजू। 2-4 बार इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हमें डालना है लाल मिर्च, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च इसमें मिला दें। लो फ्लेम पे इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अगर गैस स्टोव का फ्लेम मीडियम या हाई होगा तो ये सब दालें जलने लगेगा। फिर 1/2 कटोरी हमने जो इमली का पेस्ट तैयार किया था वो भी इसमें हम मिला देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी मिला दें या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी चलेगा। अच्छी तरह से मिक्स करें। गैस स्टोव की फ्लेम को लो पे रखें।
2 कप चावल मिलाना है हमें इसमें। प्रिफर करें कि आप कोलम राइस इसके लिए यूज़ करें, और चावल एकदम खिले खिले होने चाहिए और ठंडा करके ही चावल को इसमें आप डालें। आप बचे हुए चावल का भी यूज़ कर सकते हैं। चावल डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। स्टेज में हम इसमें थोड़ा सा नमक मिला देंगे। ऑलरेडी हमने जो इमली का पेस्ट तैयार किया था उसमें नमक है, इसीलिए बस थोड़ा सा ही नमक डालें। अच्छे से इसे बस एक दो बार चलाते हुए मिक्स करें और गैस स्टोव को बंद कर दें। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पुलिहरा बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।